हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबकी फिशेज भी ठीक से होंगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि जब भी सर्दियों से गर्मियाँ आ रही होती हैं तो मौसम चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर बहुत अजीब सा चेंज हो रहा होता है, क्योंकि रात में अक्सर कभी ठंडा हो जाता है और उसके बाद दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इस मौसम में आप अपनी फिशेज़ को किस तरह हेल्दी रख सकते हैं, तो इसके लिए मैंने चार पॉइंट्स कवर किए हैं। चार पॉइंट्स जो कि मैं माशाल्लाह से हॉबी के अंदर मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, तो मैं हर साल जो जो अपने साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो जो मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चार पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, तो चार पॉइंट्स में से आप अगर चारों पॉइंट को अच्छी तरह सुन लेते हैं, पूरी वीडियो देख लेते हैं, तो आप इस बदलते हुए मौसम में अपनी फिशेज़ का अच्छी तरह ख्याल रखें। सबसे पहला जो है हमारा, आप उसको एक्वेरियम के पानी को आपको नज़र रखनी है कि उसका टेम्परेचर कहीं ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं हो। तो इससे लिए सबसे बेहतर होता है कि आप हीटर अभी भी लगा के रखें। हीटर लगा के रखने से आपको क्या होगा, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक हीटर है तो जैसे कि पानी रात के टाइम ठंडा होने लगेगा तो वो पानी को नॉर्मल कर देगा। क्योंकि देखिए, फिशेस बीमार तब होती हैं जब हम उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज हो, रात में अलग हो, दिन में अलग हो, कभी कभी कोई दिन ठंडा भी आ जाता है। तो इस तरह आपको हीटर लगा के रखना है। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई कमरा ऐसा है, आपका फिश रूम ऐसा है, आपका एक्वेरियम ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर सनलाइट आती है, तो वो भी आपको कोशिश करनी है कि उसको 24 घंटे मतलब उसको कवर्ड रखें। जैसे कि अक्सर लोगों ने लॉन्च वगैरह में रखा होता है, और बहुत कम लोग होते हैं जो उसको सनलाइट की साइड पर रखते हैं। तो सनलाइट के पास रखने के कुछ नुकसान होते हैं जो कि इस मौसम में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। हमें अपने टैंक के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, जितने एयरफोन लगा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको रखेंगे, पानी जितना घूमता फिरता रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब पानी एक जगह पर रहता है तो गर्मी जब आती है तो थोड़ी एल्गी वगैरह भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और जैसे कि पहले मैंने बताया कि वेदर चेंजेस में जब फ़िश का क्या है, फ़िश वाटर चेंजेस वेदर चेंजेस को इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो हमें इसके लिए ऑक्सीजन बहुत अच्छे से अच्छी रखनी है, ख़ासतौर इस मौसम के अंदर ऑक्सीजन हमें बिल्कुल भी, अगर कुछ लोग ऑन ऑफ करते रहते हैं, लेकिन आप इसको कोशिश करें कि 24/7 इसको ऑक्सीजन चलाए रखें। एक एयर स्टोन डाल दें, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ आप ऐड कर दें जिससे ऑक्सीजन आपके टैंक में अच्छी रहे। और तीसरे पॉइंट की बात कर लें हम, अगर वो है वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी हमें बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप इसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वाटर चेंजेस वगैरह आप डेली बेसिस पे करें, 10% ही कर लें भला, लेकिन डेली बेसिस पे करें। इससे ये होता है कि हमारा वाटर क्वालिटी काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाता है, किससे हम अपने पैरामीटर्स वगैरह को इस तरह। अब देखिए, नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर हम सब जो हैं टेस्टिंग किट वगैरह हर कोई नहीं लेता, हर कोई नहीं रखता। तो इसका बेसिक हल जो मैं ख़ुद करता आ रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, वाटर चेंजेस करता रहता हूँ। ये वाटर चेंजेस से क्या होता है, हमारे वाटर क्वालिटी मेंटेन रहती है, पीएच मेंटेन रहता है, और बाकी जो सीक्रेट्स वगैरह, डिफरेंट फिशेस को डिफरेंट पीएच चाहिए होता है, लेकिन आप वाटर चेंजेस से वाटर क्वालिटी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। वाटर चेंजेस मेरा पर्सनल, मैं खुद यही करता आया हूँ, तो और ये अच्छा भी है। जितना वाटर चेंज करते हैं उतना पानी साफ़ रहता है, उतना पानी साफ़ रहता है तो वाटर कंडीशन अच्छी रहती है और आपके फिशेस में हेल्दी रहती है। तो बाकी आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि हमारा चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमारा है फीडिंग। फीडिंग हमें फिशेस को उनकी एक्टिविटी उसके हिसाब से देना चाहिए। फीडिंग तो वैसे ही जो नॉर्मल नए नए लोग फिश लाते हैं तो ओवर फीड कर देते हैं और कहते हैं हमारी फिश मर जाती है। तो फिश के लिए एक आपको लिमिटेड, ख़ास तो चले इस मौसम की बात कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है फीडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें, इस मौसम के अंदर मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा होता है फिश का, तो हमें उसके अंदर फिश को एक लिमिटेड खाना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम कर दें खाना हम, लेकिन उसको बहुत लिमिटेड, जो कि फ़िश कीपर उनको पता होगा, जो नए नए फिश कीपर हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अक्सर कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं यार फिश हमें रखना बहुत पसंद है, हम फिश बहुत पसंद है हमें, लेकिन हम फिश रखते हैं तो मर जाती है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर करूँगा कि हमारी, आप लोग जो जो फिश लेते हैं वो मर क्यों जाती है। तो फीडिंग की बात कर रहे थे, तो फीडिंग आपको लिमिटेड रखनी है, ठीक है। अगर आप 3 टाइम फीड करते हैं तो 2 टाइम कर दें। फिश की एक्टिविटी के हिसाब से आपको देखना है, क्योंकि आपको ओवर फीड बिल्कुल भी नहीं करना, ख़ासतौर इस मौसम के अंदर। तो ये कुछ टिप्स मैंने आज अपनी थोड़े से एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किसी का इसमें अच्छा हो जाए
और इसमें अगर मैं कहीं आप लोग को इससे ज़्यादा कुछ अच्छा पता है तो आप लोग मुझसे भी शेयर करेगा, मैं उसको भी अपनी नॉलेज में इजाफा करूँगा। और ये थी आज की हमारी वीडियो, इसके अंदर मैंने 4 पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि काफ़ी हद तक बहुत ज़रूरी हैं इस खास और बदलते हुए मौसम के अंदर। और ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि देखिए हम सब फ़िश कीपर हैं, हमें मैं अगर फ़िश रखता हूँ तो मैं अपनी तरफ से बाकी फ़िश कीपर को, जो नए फ़िश कीपर हैं जिनको नॉलेज चाहिए, उनको मैं ये बता दूँ कि फ़िश इस मौसम के अंदर क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो खैर, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह।